जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग के, सो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। जय माता दी आप सबको। और अभी जो है मैं पूजा कर चुकी हूँ, जा रही हूँ आज, अभी बताती हूँ, मिलते हैं, अभी रुक जाइए, पूजा से उठ जाऊँ। तो दोस्तों, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आज मैं कहीं बहुत अच्छे जगह पे जा रही हूँ, बहुत अच्छे इंसानों के पास जा रही हूँ। तो कहाँ पे जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, ये आगे मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो रियल आवाज़ है उसको म्यूट कर दिया है। एक्चुअली उसमें जो है बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा था तो मेरे में कॉपीराइट आ जाती है। ये लड़की ना बहुत देर लगा रही है, मैं बोल वहाँ जाने पे, थोड़ा आने पे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो हम लोग जिस दुर्गा माता का मतलब हमेशा पूजा करते थे ना, उन वहाँ भी जाना है, पता चलेगा बंद हो जाएंगी तब भी मतलब हम अपनी तरफ से दे देंगे। क्या कह रही हो? साथ में तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, जहाँ हमारे पापा जॉब किया करते थे, वहाँ पे हमारी एक मतलब दो तीन लोग आया करते थे हमारे यहाँ। एक मेरी मतलब हम लोग प्यार से बुआ बुआ बोलते थे, तो वो लोग आते थे ना, तो उन लोगों का मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, बहुत ही ज़्यादा। वो लोग भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब मानते जानते थे, मीन्स मान सम्मान बहुत ज़्यादा देते थे। तो हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे और कुछ बस कुछ खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पापा जो है ना, उन लोगों आज मतलब सुबह ही पापा भी बातें कर रहे थे और कुछ पैसे भी दिए कि मतलब दे देना, बट पैसे नहीं, मतलब पैसे भी देंगे बट पैसे के साथ साथ में मैंने सोचा कि उसी पैसे का कपड़े भी ले लेंगे, और प्लस मैंने भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश किया है। तो बस इसी काम के लिए हम लोग जो है निकल पड़े हैं। और इस ये सब में ना मतलब हम लोग शुरू से ही, हमारी पूरी फैमिली बहुत, मम्मी तो खास तौर पे, हम मम्मी को क्या कहें, मम्मी पापा दोनों लोग मतलब इन सब चीज़ों में कभी पीछे नहीं हटते थे। और जहाँ जा रहे हैं वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग ही लगाव है उन लोगों से हम लोगों का। तो चलिए आ गए हैं हम दुकान पे साड़ी लेने के लिए, शॉप पे, और यहाँ पे हम साड़ियाँ देख रहे हैं। तो मैं तीन साड़ियाँ लूँगी, दोनों जो हमारे यहाँ दोनों लोग आते थे काम करने उन लोगों के लिए, और एक एक जो हमारे पंडित जी हैं उनको दान देने के लिए, जहाँ हम लोग हमेशा पूजा करते थे। और उसके बाद जो है हमें कुछ और सामान लेना था कन्या पूजन वाले दिन के लिए, तो मैं यहाँ से उसके लिए भी सामान ले ले रही हूँ और फिर फल ले ले रहे हैं भाई। आजकल तो नवरात्रि है तो फल फल तो वैसे भी मतलब इन बहुत ज़्यादा आदमी फल पे ही टिका हुआ है। मैं होता है ना, सब लोग ये सेंधा नमक और सब खाते हैं, मैं वो सब नहीं खाती पीती हूँ। तो मैं यहाँ पे माता रानी के लिए सिंगार का सामान ले रही हूँ, और ये बच्ची ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सामान दे रही थी जैसे सच में यही हो दुकानदार। ये यार अच्छी लग रही है, सिंदूर दे दो, दो ये लेना। तो अभी हम आ गए हैं माता रानी के दरबार में, और यहाँ पे करेंगे माता रानी का दर्शन। और बस यहाँ पे ना हम लोग बचपन से ही आते हैं ये वाली माता रानी के पास पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं पूजा अर्चन करूँगी और फिर जो है यहाँ से आगे चलेंगे। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये पंडित जी को दे दीजिएगा।
और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ जो हमारे यहाँ आती थी काम करने के लिए उनके पास, और ये देखते ही रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। पहले बार भले जी का मन करी दे दी है। तो पहले जो है ना इनका अपना कोई भी रूम नहीं, एक भी रूम नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर प्रधानमंत्री के हेल्प से जो है इनके दो रूम, किचन, टॉयलेट वगैरह, मतलब सब कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जो है अब हम निकल चले हैं और जाएंगे जो दूसरी बुआ है उनके यहाँ जाएंगे। तो ये जो है छोड़ने जा रही थी, रास्ते में बातें करते जा रही थी। आ गए हैं अब हम जो दूसरी बुआ है उनके यहाँ। पहले हमको लगा कोई है नहीं, बस अंदर बैठी हुई थी। हम चले गए, हमको जी कोई है ही नहीं है यहाँ पे। देखो इधर तो फाइनली सबसे मिलने के बाद अब जो है हम चल दिए हैं घर के लिए। और चलिए फिर चलते हैं घर पे, आप सबसे मिलते हैं। आज तो जो है सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बस हम ही लोग के लिए आए। कुआरी तो नहीं खिला पाए बच्ची। तो फाइनली जो है अभी घर पे पहुंच चुके हैं। बहुत तेज प्यास लग गई थी, फिर पानी वगैरह पिए, अब थोड़ा सा दिमाग ठंडा हुआ है ना एकदम। मतलब थोड़ा सा बात करना, मिलना इन लोगों को, थोड़ा सा अपनी तरफ से जो भी हेल्प होता है कर देना, मतलब इतने से इतनी सारी खुशी मिलती है उनको, इतनी सारी खुशी, दिल खुश हो जाता है। हम लोग भी जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो अपने आप में भी एक खुशी मिलती है। और चलिए दोस्तों फिर बस आज तो दिल फिलहाल बहुत ज़्यादा खुश है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और क्या कहूँ। ये लोग ना जैसे जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे आते थे हमेशा, और मेरी जो मम्मी थी इन लोगों का हर तरह से हेल्प करती थी, मम्मी पापा दो। ये प्यारी सी खुशी जो है ना उनके चेहरे की देख के अपना दिल तो इतना खुश हो जाता है ना।
और क्या कहूँ, मेरी समझ से तो मैंने मतलब हम लोगों ने तो बचपन से ही ये सब देखा है और ये सब किया है, लोगों का हेल्प जितना भी हो सका है बचपन से ही हम लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि घर का आपका संस्कार जैसा होता है, जैसा आप देखे रहते हो अपने से बड़े का, वैसा ही आप भी फॉलो करते हो पीछे से। तो बस ये सब भावना जो होनी जो है, ये सब दया की भावना, हेल्प की भावना, ये सब होना चाहिए हम लोगों के अंदर। और चलिए फिर, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और ये कोई मतलब ये कोई दिखाने उखाने के लिए ब्लॉग नहीं बनाया था, बस ये है कि हम जो करते हैं दिन भर वो सब दिखाते हैं, तो वो भी आप लोगों के पास गया आज के ब्लॉग में, मीन्स जा रहा है। और चलिए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और प्लस हमारे चैनल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारी सारी वीडियोज़ देखते रहें। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।